हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं शेयर करूंगी इस टूलिप पैंट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। सो ये वीडियो एंड तक अगर आप देखेंगे तो किसी भी साइज़ का ये टूलिप पैंट बना सकते हैं। बस फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना होगा, लेंथ थोड़ी छोटी बड़ी हो कर सकते हैं, यानी बच्चे के लिए भी बना सकते हैं और बड़े साइज़ के लिए भी बना सकते हैं। एंड ये टूलिप पैंट के साथ मैंने ये डिज़ाइनर कटवर्क कुर्ती बनाई है और शॉर्ट जैकेट बनाई है। कुर्ती और जैकेट का वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी, तो वहां से आप कुर्ती और जैकेट का वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, ये टूलिप पैंट बनाने के लिए जो मेजरमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस साइज़ का पैंट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है, 44 इंच इसका अरज है। अगर आप 40 हिप से ज़्यादा के लिए शलवार बना रहे हैं तो आपको फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा लेनी होगी, लेकिन जो लेंथ है वो सिर्फ 2 मीटर में बन जाएगी। और नॉर्मल शलवार की हमारी जितनी भी लेंथ होती है तो उससे हम 1.5 से 2 इंच कम रखेंगे ये टूलिप पैंट बनाने के लिए, क्योंकि ये टूलिप पैंट थोड़ा ऊंची ही अच्छी लगती है। अब देखिए, यहाँ पर हमने फैब्रिक को ओपन कर लिया है, ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। इसको किनारे वाली साइड से पहले डबल फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इसको बिछा लेंगे। इसके बाद हमने कपड़े को फोल्ड करना है, तो फोल्ड हमने देखिए जैसे हमारी आइसक्रीम होती है कोन शेप में, कुछ इस तरह से हमने इसको कोन शेप में फोल्ड करना है। सो पहले एक साइड से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इसके बाद दूसरी साइड से इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। सो इस तरह से हमने कोन शेप में बना लेना है। इस साइड से हमने लगभग 2.5 से 3 इंच छोड़ा है फैब्रिक, और नीचे की साइड से आप देख सकते हैं नीचे वाला जो फैब्रिक है हमारा यहाँ तक है। तो ऐसे करके हमने कोन शेप में फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से पिन लगा लेंगे ताकि जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना भागे। अब यहाँ से देखिए, हमने 2.5 इंच छोड़ा है, आप इसको 3 इंच भी छोड़ सकते हैं अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो। और इस तरह से ये हमारा कोन बन चुका है। इसके बाद हम अपनी शलवार की लेंथ लेंगे, तो लेंथ के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ जितनी भी हमारी नॉर्मल लेंथ होती है शलवार की, उससे 1.5 से 2 इंच हम कम ही लेंगे, क्योंकि ये शलवार ज़्यादा ऊंची नीची नहीं रहती, इसको थोड़ा सा हम ऊंचा ही बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम जितनी भी हमारी नॉर्मल लेंथ होगी उस पर मार्क कर लेंगे। जैसे मैं 38 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नॉर्मल जो शलवार रहती है वो 38 इंच की रहती है, तो 38 इंच पर मार्क किया। इसके बाद 2 इंच की इसी में हमारी बेल्ट भी रहेगी, तो यहाँ से हम 2 इंच माइनस कर लेंगे, जो हो जाएगा 36 इंच। तो 36 इंच हमारी शलवार रेडी हो जाएगी। तो 36 इंच पर हम पहले मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर ये 2 इंच हमने माइनस कर दिया। इसके बाद अब हमने 1 इंच ऊपर और बढ़ा लेना है, तो 37 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच हम अपने मार्जिन के लिए बढ़ा रहे हैं, ऊपर से और नीचे से आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो ये हो गया हमारा 37 इंच। अब 37 इंच पर ही हम आगे की तरफ मार्क करेंगे। तो मार्क कैसे करना है, ये नीचे से जो हमारा इंच टेप है यहाँ पर एक फिंगर रखेंगे और ऊपर से इंच टेप को आगे की तरफ घुमाते हुए 37 इंच की लेंथ पर ही मार्क करेंगे इस तरह से। सो ये मार्क थोड़ा गोलाई में ही आएगा। अब ये जितनी भी हमने मार्किंग की है डॉट करके, इन सभी मार्किंग को हम एक साथ मिला लेंगे अच्छे से इस तरह से। सो ये जो मार्किंग है पूरी हल्की हल्की गोलाई में ही आएगी। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच की हमारी इलास्टिक आएगी और जो इसकी नीचे लेंथ बन रही है अभी ये 39 इंच आ रही है। 2 इंच इसमें नीचे से भी माइनस होगा, कट होगा, तो वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। इससे पहले हम अपने आसन की जो कटिंग है वो कर लेते हैं। तो पहले ये गोलाई वाली कटिंग कर लेंगे जो हमने अभी मार्क की है इस तरह से। अब हम अपने आसन कट करेंगे। तो आसन के लिए देखिए, ऊपर वाला जो हमारा फैब्रिक है यह हमने 2.5 से 3 इंच छोड़ दिया है ये वाला। अब मैं अपने आसन की जो चौड़ाई है ये 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप लगभग 3 इंच भी ले सकते हैं, और स्मॉल के लिए बना रहे हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। इसके बाद 2 इंच मैंने ऊपर किया। अब हम अपने आसन की लेंथ लेंगे, जितना भी रेगुलर हमारा आसन होता है उतना ही मार्क कर लेंगे। मैंने 13 इंच पर मार्क किया है। अब नीचे से भी 2.5 इंच पर मार्क करके यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये गोलाई थोड़ी हल्की ही देनी है, ज़्यादा गहराई में नहीं देंगे इस तरह से। सो ऐसे ये हमारा क्रॉच की लेंथ और विड्थ हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो देखिए, हमारा आसन कट हो चुका है। अब नीचे जो हमारी मोरी है उसमें हमने ऊपर की तरफ 2 इंच पर मार्क करना है।
सो यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पर मार्क कर देंगे। अगर आपको ये कोन शेप में ही चाहिए तो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। तो मैंने 2 इंच पर मार्क करके इसको कट कर दिया है। इसके बाद इसको ओपन करेंगे, ये 4 लेयर है, इनके सिरे मिला लेंगे, चारों सिरे को इस तरह से मिला कर रखेंगे इस तरह से। अब खुली वाली साइड में हम लगभग 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को गोलाई देते हुए पीछे की तरफ यहाँ फोल्ड साइड में ऐसे मिलाएंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। सो अगर आपको ये शेप नहीं चाहिए तो आप वही कोन शेप में रख सकते हैं और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। सो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। सो गाइज, ये जो पैंट है ये फ्रंट टुलिप पैंट है, यानी जो इसका टुलिप शेप है ये फ्रंट में आएगी और इसी शेप की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। सो ये जो शेप है आप स्किप भी कर सकते हैं और इसको कॉर्नर में भी रख सकते हैं। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ साइड में कट लगा लिए हैं छोटे छोटे। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये 2 पार्ट है हमारे इस तरह से। सबसे पहले हम इसके ये साइड से ये फोल्ड कर लेंगे, तो 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है नीचे की साइड से। सो जिधर आसन है गोलाई वाला उधर नहीं करना, नीचे से ही करना है। अब इन दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर देंगे और नीचे की साइड से हम इसको हेम करेंगे। तो हेम करने के लिए मैंने 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया है। इसके बाद अब हम इसको आसन की साइड से फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। सो यहाँ से आसन को ऐसे मिलाना है। इसके बाद जो हमारा बड़ा वाला पार्ट है इस साइड का, इसको हमने इसके ऊपर करना है। सो आसन की तरफ लाते हुए हम ऐसे ओवरलैप करेंगे और इसकी जो शेप है टुलिप की वो बनाएंगे। इसके बाद अब हमने अपनी लैस लगानी है। तो लैस देखिए, हमारा जो छोटा वाला पार्ट है नीचे की तरफ, यहाँ से हमने लैस लगाना स्टार्ट करना है। सो जितनी भी हम मोरी रखेंगे उसी के हिसाब से हम अंदर की तरफ ये लैस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 8 से 9 इंच की लेंथ से ये जो लैस है वो लगाना स्टार्ट करूँगी। 7 इंच पर हम मोरी बना लेंगे तो मैं 9 इंच से यहाँ से लैस लगाऊँगी। सो लैस को इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ से लैस को घुमाते हुए इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे। सो एक ही सिलाई में ये लैस लग जाएगी। ऊपर तक इसको इसी तरह से लगाना है। अब देखिए, जैसे हम इस साइड में ये लैस लगाएंगे इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले पार्ट में भी इस लैस को लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे करके हमने यहाँ पर ये लैस लगाई है। लैस को हमने सीधी तरफ लगाया है, यानी जिधर फैब्रिक फोल्ड किया है ये लैस हमने उसके उल्टी तरफ लगाई है। तो नीचे हमने फैब्रिक फोल्ड किया है और लैस दूसरी तरफ लगाई है। सो कपड़े की ये सीधी तरफ ऊपर रखी है। अब इसके ऊपर हम अपना दूसरा वाला पार्ट रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी हमने ये नीचे से फोल्ड करके लैस लगा ली है। अब इसके आसन को आसन से मिलाएंगे, यानी दोनों क्रॉच एक दूसरे के सामने रखेंगे और दोनों फैब्रिक की जो सीधी तरफ है वो अंदर रहेगी। तो राइट साइड को हम अंदर रखेंगे इस तरह से, दोनों की लैस वाली साइड अंदर है और जिधर हमने फैब्रिक फोल्ड किया है वो दोनों का बाहर की तरफ है। अब इसका आसन सिलना है तो आसन की साइड से ऐसे मिलाकर रखेंगे दोनों साइड से, और यहाँ पर हम लगभग 2 सिलाइयाँ लगा देंगे ताकि जो हमारा क्रॉच है वो मजबूती के साथ सिले। सो इस तरह से हमारा जो आसन है वो सिल सीख चुका है। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए, जो इसकी छोटी वाली साइड है वो एक तरफ आ जाएगी, बड़ी वाली साइड एक तरफ। दोनों क्रॉच को एक दूसरे के सामने रखेंगे ऐसे करके, और जो बड़ा वाला पार्ट है वो छोटे वाले पार्ट के ऊपर ऐसे ओवरलैप आएगा। इस तरह से करने के बाद अब हम इसको सेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पिन लगाकर इसको सेट कर दिया है। जहाँ तक ये ओवरलैप हुआ है इसको हमने पिन लगा दिया है ताकि ये फैब्रिक इधर उधर ना भागे। और आसन से लगभग 4.25 इंच मैंने दूरी पर इसको पिन लगाया है। अब इतना फैब्रिक हमारा, जितना हमारा ओवरलैप हुआ है यहाँ पर हमने पिन लगा दी है इस तरह से। अब देखिए, आसन से 4 इंच दूरी पर मैंने इसको ओवरलैप किया है। अगर आपको शलवार का घेरा ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसको आसन से मिलाकर भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ से भी मिलाकर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि मेरी शलवार का घेरा ज़्यादा कम ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ से 4 इंच के डिस्टेंस पर इसको सेट करके ओवरलैप किया और यहाँ पर पिन लगा दी है। तो इसी के हिसाब से हमने इसको ओवरलैप करना है। जितना हमें शलवार का ऊपर से घेरा चाहिए उतनी ही दूरी ले लेंगे, तो बस 4 इंच काफ़ी है। इसके बाद नीचे लेंथ में भी देखिए मैंने पिन लगा ली है, और यहाँ पर हमारी जो मोरी है जहाँ तक हमने मोरी ओपन करनी है वहाँ पर भी मैंने एक पिन लगा ली है। तो मोरी किस हिसाब से रखेंगे, मोरी की जो लेंथ है वो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ लगभग 7 इंच ले लूँगी। सो जितना आसानी से हमारा पैर इसके अंदर इंसर्ट हो जाए वहीं पर हम मार्क कर लेंगे। तो मैं एक हल्का सा मार्क करके दिखा देती हूँ जहाँ पर मैंने पिन लगाई है। तो उसी मार्क तक हमने एक सिलाई करनी है जितनी हमारी मोरी ओपन रहेगी। तो यहाँ तक हम इसको ओपन रखेंगे, बाकी ऊपर यहाँ से
सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और इस सिलाई को जहाँ तक हमारा फैब्रिक ओवरलैप है उसमें भी कर देंगे। एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरा वाला पार्ट जो है उसमें भी 7 इंच की लेंथ पर एक पिन लगा ली है, और यहीं तक हम ये सिलाई करेंगे और इस सिलाई को ऊपर तक यहाँ तक करेंगे इस तरह से। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए इतना फैब्रिक हमने ओवरलैप किया है, यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ हमने इस तरह से एक सिलाई कर देनी है। इसके बाद इस सिलाई को अब हम यहाँ लेस की तरफ लाएंगे और इस सिलाई को अब हमने नीचे रखना है। सो नीचे सीधा सिलते जाएंगे जहाँ पर हमने पिन लगाकर सेट किया है। सो सिलते हुए भी हम कपड़े को अच्छे से हाथों की हेल्प से सेट करते जाएंगे ताकि इसमें कोई झोल ना आए। अब देखिए ये जो सीधी वाली सिलाई है इसको थोड़ा हम धीरे धीरे करेंगे ताकि जो नीचे का फैब्रिक है इसके साथ ना सिल जाए, और जितना हमारा फैब्रिक ओवरलैप है उतना ही हम इसको जहाँ पर हमने पिन लगा रखी है उसको सीधा करके पकड़ेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारी मोरी है, तो जहाँ पर हमने मोरी खोल ली है वहाँ पर हमने 2 से 3 सिलाई लगाकर इसको पक्का करके निकाल देना है। तो दोनों साइड की जो सिलाई है वो हमने ऐसे लगा ली है। अब ये जो ऊपर से ओवरलैप है फैब्रिक इधर उधर नहीं भागेगा क्योंकि हमने इसको सिलाई लगाकर सिक्योर कर दिया है। एंड जो इसकी मोरी की गोलाई है वो मैंने 7 इंच ली है। यहाँ पर आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आपको ओपन चाहिए। 6 से 7 इंच काफ़ी है तो 6 से 7 इंच आप रख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए बेल्ट की लंबाई मैंने 5 इंच ली है, 2 इंच चौड़ी मेरी इलास्टिक है, 1 इंच इसका मार्जिन चला जाएगा तो ये डबल फोल्ड करके 2.5 इंच हो गई है। सो ऐसे ये 2 इंच की पट्टी हमारी रह जाएगी। एंड जो इसकी गोलाई है वो हम अपने हिप के अकॉर्डिंग ले लेंगे, जितना भी हमारा हिप है उसमें 4 इंच प्लस करके इस तरह से मैंने पट्टी ले ली है और दोनों साइड में इसके सिलाई लगा ली है। अब इस बेल्ट को हम अपनी शलवार के साथ नॉर्मली उसी तरह से जॉइंट कर देंगे जैसे हम 2 मीटर की शलवार में छोटी छोटी प्लेट्स डालकर लगा देते हैं। सो इस तरह से फ्रंट में कुछ प्लेट्स आएंगी और बैक में भी हम 3 से 4 प्लेट्स लगा लेंगे। सो ऐसे करके मैंने देखिए ये बेल्ट लगा ली है। बेल्ट को हमने रॉन्ग साइड में रखा और ये बेल्ट सीधी तरफ टर्न हो जाएगी। पीछे की तरफ छोटी छोटी 3 प्लेट्स इधर आई हैं और 3 प्लेट्स इधर, तो आधा आधा इंच चौड़ी हमने पीछे की प्लेट्स डाली हैं, टोटल 6 प्लेट्स हैं, और फ्रंट में कुछ इस तरह से प्लेट्स आई हैं। तो फ्रंट की प्लेट्स भी छोटी छोटी हैं। अब इस पट्टी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे एंड इसके अंदर हम लास्टिक इंसर्ट कर देंगे। सो गाइस ये जो प्लेट्स हैं ये किसी भी डायरेक्शन में आप डाल सकते हैं। फ्रंट में मैंने कुछ इस तरह से डाली हैं, आधा इंच चौड़ी छोटी छोटी प्लेट्स आगे की तरफ इस तरह से डाल दी हैं, और पीछे की तरफ भी हमारी जो प्लेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 6 प्लेट्स डाली हैं, इनकी चौड़ाई भी 1/2 इंच है। सो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट लगाकर तैयार कर लिया है, और ये हमारी शलवार की मोरी है और बहुत ही आसानी के साथ ही हमारी शलवार बन गई है। एंड जो इस शलवार की लेंथ है वो 36 इंच है, नॉर्मल लेंथ से 2 इंच कम रखी है हमने क्योंकि ये शलवार जो है एंकल लेंथ है। तो इस शलवार के साथ आप स्ट्रेट कुर्ती या फ्लेयर कुर्ती बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कटवर स्लीव कटवर दामन कुर्ती बनाई है और इसके नेक में बीड्स लगाए हैं। तो ये वेस्ट प्लेटेड कुर्ती को हमने इस शलवार के साथ बनाया है, और इस कुर्ती शलवार के साथ मैंने ये जैकेट भी बनाई है। कुर्ती और जैकेट का वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको इस वीडियो के यहाँ एंड स्क्रीन पर भी मिलेगा। तो वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो यहाँ ही से आप ये कुर्ती और जैकेट की वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप ये दोनों वीडियो का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी देख सकते हैं। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। इसी के साथ वीडियो कम्प्लीट होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।